सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही धमाका न्यूज़ आ रही है कि सैमसंग इसी महीने, मतलब आज 20 तारीख हुआ तो 10 दिन के अंदर ही अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A70s। और इस स्मार्टफोन का लगभग 50-60-70% सारा का स्पेसिफिकेशंस लीक हो गया है। तो आज हम इस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशंस, प्राइस एंड कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है, इस स्मार्टफोन में आपको इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 675 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 6GB रैम के साथ होगा। एंड इसमें एंडिनो का 618 वाला आपको GPU मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड इसके अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम होगा, इसमें ट्रिपल कैमरा होगा जो कि 64+8+5 मेगापिक्सल में 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। एंड बैटरी की बात करें तो 4400 mAh की मिलेगी। इसका स्क्रीन हल्का सा बड़ा मिलने वाला है आपको, जो कि 6.7 इंचेस का होगा। और इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट तो मैं बता ही दिया हूँ कि 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। इसमें एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा, अब तक एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन नहीं दे रहा है कोई भी स्मार्टफोन। इसमें डुअल सिम मिलेगा, दोनों नैनो सिम होगा, कोई भी हाइब्रिड नहीं। इसमें एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी होगा जो कि एक्सपेंडेबल 256GB तक का होगा, तो आप कार्ड भी लगा सकते हैं। ये डुअल 4G के साथ आएगा। इसके डायमेंशन की बात किया जाए तो ये आपको 7.9mm का मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। इसके हाइट और विथ की बात किया जाए तो हाइट इसका 164.2mm है और विथ आपको 76mm होगा। इसका स्क्रीन साइज की बात किया जाए तो 6.7 इंचेस का होगा। इसके रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो आपको 1080p x 2400 का रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रहा है। ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा, सुपर एमोलेड होगा, तो हो सकता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल सकता है, क्योंकि सुपर एमोलेड इन डिस्प्ले सपोर्ट करता है और ये फ़ोन वही 10 से 15 के बीच में ही आने वाला है। एंड इसके अगर इसके प्रोसेसर की बात किया जाए तो इसका प्रोसेसर आपको 2GHz पर क्लॉक्ड होगा, जिसमें डुअल कोर होंगे क्रायो 460 के, एंड हेक्सा कोर होंगे 1.7GHz का हेक्सा कोर होंगे क्रायो 460 के। ये 64-bit वाला प्रोसेसर होगा, इसमें ग्राफिक्स एंडिनो 612 वाला मिलेगा और ये 6GB 4GB रैम के ऑप्शन के साथ आएगा। इसके इंटरनल स्टोरेज की बात किया जाए तो 64/128 तक का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके कैमरा की कुछ फीचर्स की बात किया जाए तो 64MP का मेन सेंसर होगा, जो कि सैमसंग का खुद का सेंसर होगा, सैमसंग GW1 वाला सेंसर होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी वाला पिक्चर खींचेगा। एंड अगर इसमें और कुछ कैमरा के फीचर की बात किया जाए तो इसमें कंटिन्यूस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस जैसे ढेर सारे फीचर्स होंगे। इसके बैटरी कैपेसिटी की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं कि 4400 का होगा। एंड इसमें हेडफोन जैक और इसमें सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सीमीटर, एक्सलोमीटर, कॉम्पास, जायरो सेंसर, जैसे सारे के सारे सेंसर इसमें मिलेंगे। और एक बहुत मस्त बात कि ये फ़ोन जिस प्राइस पे आने वाला है, ये बिल्कुल एक पटाखा प्राइस होने वाला है और ये बहुत ही मस्त फ़ोन होगा सैमसंग की तरफ से। सो देखते हैं कि कब तक आता है, किस प्राइस पे आता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।